नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार न्यूज, मैं हूं तनुप्रिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने बिहार में जहरीली शराब पीने से हुई कई लोगों की मौत पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इन मामले में जो भी लोग दोषी हैं उन पर कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं मौके पर जीतन राम मांझी ने यह भी कहा कि शराबबंदी की आड़ में जो लोग अपना हाथ साफ कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं मांझी ने यह भी कहा कि अगर शराबबंदी के बावजूद बिहार में जहरीली शराब बिक रही है तो इसमें कहीं ना कहीं किसी बड़े अधिकारी की स्थिरता जरूर है के चलते या और सब कारण से कानून व्यवस्था की बात जो कहते हैं, मैं भी मानता हूँ घटनाएं घट रही है और घटनाएं काफ़ी चिंता का विषय है। लेकिन ये भी शायद देख रहे होंगे कि घटना के उपरांत उस पर कार्रवाई भी हो रही है, चाहे शराब का मामला हो, बालू का मामला हो या और तरह से जो घटनाएं घटती है, सब पर सरकार सचेत है और काफ़ी संवेदनशीलता से उस पर काम कर रही है। हम समझते हैं कि ये घटनाएं जो घट रही है कहीं ना कहीं राजनीति प्रेरित भी ऐसा लगती है, मैं ये कहना चाहता हूँ। 1 अप्रैल से देश भर में कोरोना टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। तीसरे चरण में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को टीकाकरण अभियान में शामिल किया गया है। इस टीकाकरण अभियान का यही मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा आबादी को टीके लगाए जा सके, जिससे कोरोना की बढ़ती रफ्तार पर रोक लगे। बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत की और अपनी पत्नी के साथ कोरोना टीका लगवाया। उन्होंने IGIMS में जाकर कोरोना वैक्सीन लगवाई। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से टीकाकरण में शामिल होने की अपील की। सारे चीजों को ध्यान में रखकर जो भी आवश्यक सावधानी बरतनी है वो स्वास्थ्य विभाग ने बरता हुआ है। हालांकि थोड़ा पहले तापमान बढ़ा हुआ दिख रहा है, तो तापमान घटते बढ़ते रहता है, लेकिन अब गर्मी का दिन आने वाला है तो गर्मी के दिन में इसकी तैयारी, सावधानी और जन जागरूकता ये सब जरूरी है। तो स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग के बीच बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि नंदीग्राम से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 50,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव हार रही हैं। वहीं मंगल पांडे ने यह भी कहा कि बंगाल की जनता ने इस बार वहां डबल इंजन की सरकार लाने का मन बना लिया है। ऐसे में आज की वोटिंग के बाद TMC रेस से बाहर हो जाएगी। रिपोर्ट थे वो बहुत साफ थे कि ममता दीदी कम से कम 50,000 से अधिक मतों से चुनाव हारने जा रहे हैं और आप आज मीडिया के साथी भी वहाँ घूम रहे होंगे तो हवा तो फैलते देर नहीं लगती है। आज शाम होते होते पूरे बंगाल में खबर फैल जाएगा कि नंदीग्राम में ममता दीदी का रिजल्ट सील हो गया और वो हार चुकी है। तो आगे के सारे फेज में फिर अब एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ेगा। भाजपा के पूर्व राज्यसभा सांसद RK सिन्हा ने पटना में एक वीडियो जारी कर बिहार में जहरीली शराब से हुए मौत पर बयान दिया है। बता दें कि RK सिन्हा ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि जीवन जहरीली शराब से ज्यादा कीमती है और इसलिए भूलकर भी शराब माफियाओं के चक्कर में आकर जहरीली शराब को न छुए। इसके साथ ही RK सिन्हा ने यह भी कहा है कि बिहार में शराबबंदी तो है और शराबबंदी सख्ती से लागू भी की जा रही है, लेकिन इसी सख्ती के कारण जहां तहां शराब माफिया नकली बनाकर भेज रहे हैं और उनके सेवन से लगभग हर दिन किसी न किसी के मौत की खबर आ रही है। सेवन से लगभग प्रतिदिन कुछ न कुछ लोग मर रहे हैं। अभी नवादा में ही 9 लोगों के मरने की खबर आई है। ये मरने वाले सभी बहुत ही गरीब किसान और खेतिहर मजदूर लोग हैं जो कि अपनी थकान मिटाने के लिए कभी गलती में ये काम कर लेते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि कृपया ये न करें, क्योंकि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है। अपने जीवन और स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। पूर्वी चंपारण में अपराधियों ने एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना रामगढ़वा प्रखंड क्षेत्र के चंपापुर पंचायत की है। वहीं घटना की सूचना पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंच कर पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इसने गोली से मार कर इसको फेंक दिया, उसी पे आवाज लोगों को हल्का सुनाई दिया, लोग दौड़ा, तब तक मरने वाला निकल चुका था। कौन चीज से आया था जानकारी? अपराधी नहीं, अपराधी को भी पता नहीं है कि किस चीज से आया था कैसे गया। सिर्फ इसको हम लोग को बड़ी वहाँ गए तो मिले। मरने वाला का नाम क्या है? बिलाल साहब।
बिरलाल शाह। घर कहाँ बोल? मनना। जानकारी नहीं। कब गोली मारा गया? चार बजे भोर में गिरा हुआ था तो गांव वाले लोग गया घर का लोग। अच्छा। उसके बाद पुलिस का परमिशन दिया, पुलिस परमिशन जब मिली तो हम लोग पहुँचे। क्या घटना स्थल पर मौत हो गई थी कि जिंदा? हाँ। लेकर के लोग हॉस्पिटल गया, जिंदा था। खबर रोहतास जिले के सदर अनुमंडल सासाराम से है, जहां माले कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए श्रम कानून का विरोध किया और कहा है कि नया श्रम कानून मजदूरों के हित में नहीं है, यह कानून उद्योगपतियों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आज धरना नहीं, हम लोग नरेंद्र मोदी को पुतला फूके हैं और जो है आपको ये लेबर कोड बिल जो कानून है उसको हम लोगों ने फूका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने लेबर को गुलाम बनाने वाले, श्रमिकों को गुलाम बनाने वाला चार कानून, श्रम कानून बनाया है। वो लेबर को 8 घंटा से 12 घंटा काम, वेतन में कटौती और लेबर को हड़ताल में जो है रोक, ये तमाम चीजों जो है उद्योगपतियों को हित में और लेबर के खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ है। सासाराम में होली के दौरान विभिन्न मीडिया माध्यमों में रोहतास जिले के करगहर तथा कौचस थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत की खबर को जिला प्रशासन ने खंडन किया है और कहा है कि पिछले 1 सप्ताह में जिन लोगों की मौत की खबर सोशल मीडिया सहित विभिन्न मीडिया माध्यमों में चलाया जा रहा है, वे मौतें सामान्य तथा बीमारी से हुई है। इस संबंध में रोहतास के जिला अधिकारी धर्मेंद्र कुमार तथा SP आशीष भारती ने सासाराम में संयुक्त प्रेस वार्ता कर तमाम खबरों का खंडन किया। परिजन के द्वारा भी जो सोशल मीडिया या कई जगह पे आया कि इस तरह की बातें आई, आपने क्या पाया अपने माध्यम से जो आपके द्वारा जांच की गई? जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो खबरें चलाई जा रही थी उसकी जांच बड़ी पदाधिकारियों के नेतृत्व में गठित जांच दल के द्वारा किया गया है और उसमें पाया गया है कि जो विभिन्न लोग हैं उनकी मृत्यु स्वाभाविक तरीके से बीमारी के क्रम में अलग अलग तिथियों को अलग अलग दिनों में हुई है और सभी का डेथ का डेट अलग है, आपस में उन लोग का दूरी देखा जाए दूरी भी काफ़ी ज़्यादा है और कहीं भी मतलब एक साथ बैठने का भी साक्ष्य नहीं। इसके साथ साथ देखा जाए उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं उन्हीं का स्टेटमेंट है कि उनको संबंधित को 1-8 सप्ताह से रोग था, इलाज हो रहा था, डॉक्टर को भी दिखाया गया है, तो ऐसी स्थिति में अफवाहें हैं। और हम तारेगना रेल PP के कर्मठ, निष्ठावान और ईमानदार सबों के प्रेरणा स्रोत कारमंडे शर्मा को मसौढ़ी की जनता और तारेगना रेल PP के द्वारा विदाई दी गई। आपको बता दें कि मसौढ़ी की जनता और तारेगना रेल PP ने विदाई समारोह आयोजित कर उन्हें भावभीनी विदाई दी। करीब रहे हैं मार्कंडे जी, जिनकी आपने आज विदाई दी, क्या कहेंगे मार्कंडे जी के बारे में? जी, मार्कंडे बाबू ड्यूटी के कर्मठ व्यक्ति थे कि जब वो वर्दी पहन लेते थे तो फिर थाना के तरफ वापस आते नहीं थे बिना बुलाए, जहाँ रहते थे ड्यूटी में हमेशा घूमते फिरते ही नज़र आते थे। ये जो हैं अपना रात्रि 12 बजे तक इनकी सेवा अवधि थी, जो सेवा अवधि समाप्त हुआ उसी समारोह में हम लोग सोचे कि आप ग्रामीणों के सहयोग से इनका एक विदाई समारोह करें, कर रहे हैं। इनके बच्चे से जीवन के लिए मालिक से प्रार्थना करेंगे कि अपने बाल बच्चों के साथ सही सलामत से जिंदगी गुजारें। कहा जाए विदाई की जो बेला होती है निश्चित रूप से मार्मिक होती है, क्या कहेंगे? ये पूरे समाज के लिए मतलब मार्मिक होता है, लेकिन करना क्या है, वक्त जो कहेगा वक्त के मुताबिक हर इंसान को अपने कार्य के प्रति निर्भर रहना पड़ता है, एक दिन विदाई समारोह का सामना करना पड़ता है। मार्कंडे भैया से हम यही प्रेरणा लेंगे कि जिस तरह से अपने पूरे कार्य अवधि में सकुशल बढ़िया से स्वस्थ रूप से रिटायर हुए, उस तरह से हम लोग भी प्रेरणा करेंगे कि स्वस्थ रह करके अपने कार्य अवधि को पूरा करूं और आगे अच्छे काम करूं। सेवा ही आपका परम धर्म है और आपकी पहल हुई कि आज तक जितने सारे जो मिथ्या थे कि पदाधिकारी की ही विदाई की जाएगी तो आज एक सिपाही की ही विदाई दी गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो हम बिहार न्यूज को धन्यवाद देना चाहते हैं जो आज इस मार्कंडे बाबू की विदाई समारोह में आपने आने का जो काम किया है। हम लोग को अचानक लगा कि भाई आज तक GRP के जब सिर्फ पदाधिकारी
जो है प्रभारी होते थे उनके ही विदाई हुआ करता था, लेकिन हमको लगा कि नहीं, कार्यकलाप जो मार्कंडेय बाबू जब से देखा इनको, आम लोग जब बोलता था कि भाई ये सिपाही जी वो जो है बहुत ऑनेस्ट आदमी है, ड्यूटी के पक्का आदमी है, तो हमको भी लगने लगा, लगाव धीरे धीरे बढ़ा आने जाने से थाना पर, तो हम लोग को भी लगा, हम लोग बड़ाऊ को भी कहा कि बड़ाऊ ऐसे पदाधिकारियों को ऐसे जो है समकक्ष हमारे जो भी है उनको विदाई करनी चाहिए। अचानक जो है प्रेरणा हम लोग को मिला और बड़ाऊ इस पर तत्पर हो गए कि नहीं ठीक है और इस पर उनका विदाई समारोह हो रहा है। तो हम तमाम लोग, कर्म से आदमी महान बनता है, हम तमाम लोग यहाँ जो समकक्ष जीआरपी में यहाँ जो भी है जो मित्र हैं सब स्टाफ तब सब लोग से आग्रह करेंगे कि जो है इस रास्ता पर इनका चला जाए। और इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए बिहार न्यूज़। नमस्कार।